हाय फ्रेंड्स, किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में स्कूल के बाद कॉलेज में एडमिशन लेना एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। स्टूडेंट के मन में कॉलेज को लेकर कई डाउट्स होते हैं, कई सवाल होते हैं, कई क्वेरीज होती हैं। आज इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे ही एक कॉलेज के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। जिस कॉलेज को आज हम डिस्कस करेंगे, जिस कॉलेज के बारे में आज हम बात करेंगे, उस कॉलेज का नाम है HMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, आज हम HMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। इसे शॉर्ट फॉर्म में HMR ITM के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि दिल्ली में स्थित है। HMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट दिल्ली में एक हामिदपुर नाम के एरिया में स्थित है। फ्रेंड्स, यह था कॉलेज का नाम और लोकेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो बात करें यूनिवर्सिटी की, तो यह कॉलेज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। यह यूनिवर्सिटी दिल्ली बेस्ड यूनिवर्सिटी है। इसे शॉर्ट फॉर्म में GGSIPU या फिर IPU या फिर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी या फिर IPU यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो मतलब गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को GGSIPU, IPU, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, IPU यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और मतलब ये एक नॉर्मल बातचीत की भाषा में इसके नाम है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई यूनिवर्सिटी की। बात करते हैं कि ये कॉलेज कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है। तो आपको बता दें कि यह कॉलेज, जैसा कि आप नाम से समझ ही गए होंगे, कि यह एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। इस कॉलेज में कई ब्रांचेज में इंजीनियरिंग ऑफर की जाती है। इंजीनियरिंग के साथ साथ यह कॉलेज MBA और MCA कोर्सेज भी ऑफर करता है। जी हाँ दोस्तों, यह कॉलेज इंजीनियरिंग कई ब्रांचेज में ऑफर करता है और साथ साथ MBA और MCA कोर्सेज भी ऑफर करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से ब्रांचेज या कौन कौन सी फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग में यह कॉलेज BTech ऑफर करता है। तो बात करें अगर ब्रांचेस की, तो यह कॉलेज BTech इन कंप्यूटर साइंस, BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, BTech इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, BTech इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BTech इन मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। इन ब्रांचेस में यह कॉलेज इंजीनियरिंग ऑफर करता है। इन ब्रांचेस में कॉलेज BTech ऑफर करता है। तो टोटल ये कॉलेज 5 ब्रांचेस में इंजीनियरिंग ऑफर करता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन 5 ब्रांचेज में कॉलेज इंजीनियरिंग ऑफर करता है, वो 5 ब्रांचेज हैं BTech इन CS, दैट इज़ BTech इन कंप्यूटर साइंस, BTech इन EC, दैट इज़ BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, BTech इन EEE, दैट इज़ BTech इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, BTech इन IT, दैट इज़ BTech इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड BTech इन MAE, दैट इज़ BTech इन मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कॉलेज के कोर्सेज की। अब बात करते हैं कॉलेज की हिस्ट्री की। तो थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करना कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है। ज़्यादा नहीं, हम बहुत ब्रीफ में बात करेंगे। तो अगर कॉलेज की बात करें कॉलेज की हिस्ट्री की, तो HMR ITM का उद्घाटन वर्ष 2002 में किया गया था। यह कॉलेज हीरा लाल मोहन देवी रीता गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट से के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ट्रस्ट, जिस ट्रस्ट ने HMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का उद्घाटन किया था, उसका नाम है हीरालाल मोहन देवी रीता गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट। ट्रस्ट ने अपने अथक प्रयासों से इस कॉलेज को इसकी वर्तमान स्थिति में लाने में सफल हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये तो होगा कॉलेज की हिस्ट्री। अब बात करते हैं एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की, वो है कॉलेज का कैंपस। जी हाँ दोस्तों, स्टूडेंट्स कैंपस को लेकर काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, काफ़ी जानना चाहते हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं कि कॉलेज का कैंपस कैसा है। तो अगर बात करें कैंपस की, तो मैं आपको बता दूं कॉलेज का कैंपस लगभग 5 एकड़ की एरिया में फैला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज का कैंपस लगभग 5 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। कॉलेज में एक काफ़ी अच्छा और वेल मेंटेन्ड पार्क है। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इंप्रेसिव है और अच्छा है। कॉलेज की कैंटीन काफ़ी बड़ी है और खाने की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। कैंटीन के खाने की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। कॉलेज की बिल्डिंग काफ़ी मजबूती से बनाई गई है। तो कुल मिला के कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। और अगर बात करें कॉलेज के कैंपस की, तो मैं, अगर मेरे को इसको रेटिंग देनी हुई कॉलेज के कैंपस को, तो मैं कॉलेज के कैंपस को रेटिंग दूंगा अबव एवरेज। मतलब ये मेरे हिसाब से, ये इसका कॉलेज का जो कैंपस है वो एवरेज से ऊपर है। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर ली हमने कैंपस की, अब बात करेंगे अगली टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है लैब्स की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, बेसिक तौर पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में लैब्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। चाहे आप कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज ले लो, उसके एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हाईलाइट रहता है कॉलेज की लैब्स। और अगर बात करें इस कॉलेज की, तो बता दें आपको कि इस कॉलेज की लैब्स एवरेज है। जी हाँ दोस्तों, इस कॉलेज की लैब्स ख़राब भी नहीं है और ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। इसलिए अगर मेरे को कॉलेज की लैब्स को रेटिंग देनी हो, तो इस मामले में मैं कॉलेज को दूंगा 10 में से करीब 6 स्टार्स। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज की लैब के मामले में मैं करीब 10 में से 5 या 6 स्टार्स दूंगा, क्योंकि कॉलेज की लैब्स काफ़ी एवरेज हैं। ना ज़्यादा ख़राब हैं, ना ज़्यादा अच्छी हैं, मतलब एवरेज हैं। तो यह तो बात हो गई कॉलेज की लैब्स की। अब चलिए
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एकेडमिक्स की। तो अगर बात करें एकेडमिक्स की, तो एकेडमिक्स के मामले में यह कॉलेज काफ़ी अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, लैब्स के मामले में भले ही ये कॉलेज एवरेज हो, जैसा कि मैंने बताया लैब्स के मामले में अगर मेरे को रेटिंग देनी हो तो मैं रेटिंग दूंगा 10 में से 6 स्टार्स, लेकिन आउट ऑफ 10 आई विल गिव 6 स्टार्स टू द कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ लैब्स। बट बात करें एकेडमिक्स की तो यह कॉलेज काफ़ी अच्छा है। यहाँ क्वालिटी और लेवल ऑफ स्टडी काफ़ी अच्छा है। यहाँ के प्रोफेसर्स टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं और पढ़ाई के मामले में काफ़ी सीरियस है। जी हाँ दोस्तों, ये कॉलेज का बहुत बड़ा हाईलाइट है, बहुत बड़ा अच्छा फीचर है कि यहाँ क्वालिटी और लेवल ऑफ स्टडी काफ़ी अच्छा है और प्रोफेसर्स टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं और पढ़ाई को लेकर माहौल काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सीरियस हैं। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई एकेडमिक्स की। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है लाइब्रेरी। जी हाँ दोस्तों, लाइब्रेरी किसी भी कॉलेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रहता है। जैसा कि मैंने बताया एकेडमिक्स के साथ साथ कॉलेज में लाइब्रेरी भी एक कॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रहता है। और अगर बात करें इस कॉलेज की, HMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इस कॉलेज की लाइब्रेरी की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि लाइब्रेरी किसी भी कॉलेज का हर्ट एंड सोल होता है, और इस कॉलेज की लाइब्रेरी भी काफ़ी इंप्रेसिव है, काफ़ी अच्छी है। और अगर लाइब्रेरी में बुक्स की बात करूँ तो इस कॉलेज की लाइब्रेरी में काफ़ी सारी बुक्स हैं, चाहे वो टेक्स्ट बुक्स हों, रेफरेंस बुक्स हों, इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड टेक्स्ट बुक्स हों, इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड रेफरेंस बुक्स हों, काफ़ी सारी बुक्स हैं इस कॉलेज की लाइब्रेरी में, काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल हैं। और अगर बात करें एक्स्ट्रा, थोड़ा आगे बढ़कर अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाकर इस कॉलेज की लाइब्रेरी को आपको एक्सप्लेन करना हो, तो मैं बता दूँ इस कॉलेज में काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं। जैसे अगर हम इंग्लिश न्यूज़पेपर्स की बात करें तो टाइम्स ऑफ कॉलेज में टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, हिंदुस्तान टाइम्स आता है, द हिंदू आता है, इंडियन एक्सप्रेस आता है, और भी कई सारे बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर कॉलेज में रेगुलरली डेली आते हैं। और अब बात करें अगर आप हिंदी अखबार के रीडर हैं और आप हिंदी अखबार में इंटरेस्ट हैं, तो हिंदी अखबार में कॉलेज में नवभारत टाइम्स आता है, हिंदुस्तान आता है, दैनिक जागरण आता है, और भी ऐसे कई सारे हिंदी अखबार आते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अखबार न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर और अखबार के मामले में कॉलेज काफ़ी अच्छा है। कॉलेज में रेगुलरली डेली न्यूज़पेपर आते हैं। और अब जो लाइब्रेरी से रिलेटेड अगली चीज़ आती है वो है मैगजीन्स। कॉलेज में, कॉलेज ने कई सारी मैगजीन्स को सब्सक्राइब कर रखा है। कॉलेज में रेगुलरली ऑटो कार आती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कॉलेज में मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग भी ऑफर की जाती है। तो जहाँ तक मतलब मेरी नॉलेज है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग एक ऑटोमोबाइल से रिलेटेड फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग है। तो क्योंकि ये ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, तो ऐसे इन स्टूडेंट्स के लिए ऑटो कार मैगजीन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी इनको इंटरेस्ट आता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ऑटो कार मैगजीन में। ऑटो कार वैसे भी कोई भी पढ़ सकता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैगजीन है ये, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। इसमें आपको कार्स के बारे में नॉलेज मिलती है, चाहे वो स्पोर्ट्स कार्स हों, लग्जरी कार्स हों, इकोनॉमी कार्स हों, बजट कार्स हों, बाइक्स के बारे में, स्पोर्ट्स बाइक, मोटर बाइक्स, कई सारी मतलब हर व्हीकल के बारे में आपको ऑटो कार में नॉलेज मिलती है। हर लेवल की कार के बारे में, हर लेवल की बाइक के बारे में ऑटो कार बताता है आपको। और अगर और मैगजीन्स की बात करें तो कॉलेज में CSR आती है। CSR बेसिकली अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, CSR की फुल फॉर्म होती है कंपटीशन सक्सेस रिव्यू। ये एक इंग्लिश कंपटीशन के लिए मैगजीन है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फाइनल ईयर में और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मैगजीन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। कॉलेज में हिंदी रीडर्स के लिए कंपटीशन की तैयारी करने के लिए प्रतियोगिता दर्पण नाम की एक मैगजीन आती है। ये मैगजीन भी काफ़ी अच्छी है। जैसे इंग्लिश में कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, वैसे हिंदी में प्रतियोगिता दर्पण। कॉलेज में साइंस रिपोर्टर नाम से भी एक मैगजीन आती है, डिजिट नाम से भी एक मैगजीन आती है, और कॉलेज में कई सारी और भी मैगजीन्स आती हैं जिनके नाम हो सकता है मैं अभी मिस कर रहा हूँ या आपको बता ना पा रहा हूँ या अभी मेरे को याद ना आ रहे हो, लेकिन कॉलेज में मैगजीन्स भी काफ़ी सारी आती है। बात करें जर्नल्स की, तो कॉलेज ने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर रखा है। हर हफ्ते रेगुलरली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ कॉलेज में आता है। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने लाइब्रेरी के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में बताया, तो ये तो बात हो गई लाइब्रेरी की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की। जी हाँ दोस्तों, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ इस चीज़ में, इस टॉपिक पे काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में हर स्टूडेंट, मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं। तो बात करें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की, तो अगर आप स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि रखते हैं, आप स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी सीरियस है, तो हो सकता है ये बात जानकर शायद आपको अच्छा ना लगे, मगर अगर मैं सच बताऊं तो कॉलेज में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के मामले में, खासकर कि आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के मामले में कोई खास व्यवस्था नहीं है, कोई खास इंतज़ाम नहीं है।
जी हाँ दोस्तों, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के मामले में, खासकर आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, जैसे कि फुटबॉल फील्ड हो गया, क्रिकेट फील्ड हो गया, वॉलीबॉल फील्ड हो गया, बास्केटबॉल फील्ड हो गया, या फिर हॉकी फील्ड हो गया, या फिर और भी कोई जो आउटडोर स्पोर्ट्स हैं, इनकी अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करें तो कॉलेज में इस चीज़ को लेकर कोई खास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको और डिटेल में जाके बता देता हूँ कि अगर आप फिर भी स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी सीरियस है और आपको लगता है आप में इतना हुनर है, आप में इतना टैलेंट है कि आप किसी भी लेवल पे सक्सीड कर सकते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, तो मैं आपको डिटेल में जाकर बता देता हूँ कि हर साल आईपीयू यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से कॉलेज एफिलिएटेड है, अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कराती है। स्पोर्ट्स वीक ये ऑर्गेनाइज कराती है, जिसमें इस यूनिवर्सिटी से जितने भी कॉलेज एफिलिएटेड हैं उन सबके स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट, इंटरेस्टेड स्टूडेंट इस स्पोर्ट्स डे स्पोर्ट्स वीक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है, इसमें काफ़ी सारे कॉलेजेस कवर होते हैं, तो अगर आपको उस लेवल पे सक्सीड करना है, उस लेवल पे सफलता पानी है, तो आपको वाकई आप में काफ़ी हुनर और टैलेंट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर आप में इतना हुनर और इतना टैलेंट है कि आप उस लेवल पे जाके सक्सेस पा सकते हैं, उस लेवल पे जाके सफलता पा सकते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, आईपी यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का जो फेस्ट होता है, फेस्ट मतलब स्पोर्ट्स वीक रहता है, या जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, वो हर साल ऑर्गेनाइज कराते हैं, उसमें अगर आपकी टीम इतनी मजबूत है, अगर या फिर आप इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आप इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, तो आप डेफिनेटली कॉलेज के लिए मेडल ला सकते हैं, अपने लिए मेडल ला सकते हैं, एक रिकॉग्निशन पा सकते हैं, और यूनिवर्सिटी लेवल पे एक सफल एथलीट के तौर पे निकल के आ सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता कि वो जो आईपी यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स वीक है, स्पोर्ट्स वो जो होता है स्पोर्ट्स का उनका इवेंट, उसका लेवल काफ़ी हाई रहता है। जैसे कि मैंने बताया, कॉलेज के सभी यूनिवर्सिटी जितने भी कॉलेज एफिलेटेड सब पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, सब हर कॉलेज अपने अपने नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स भेजते हैं जिनका लेवल ऑफ जिससे कि लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन वो जो इस इवेंट का है वो काफ़ी हाई हो जाता है। और जो अगर आपको बता दूँ कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, तो स्पोर्ट्स इवेंट्स में अगर बात करें, अगर टीम स्पोर्ट्स की बात करें, तो क्या कहते हैं, फुटबॉल कंपटीशन होता है, क्रिकेट कंपटीशन होता है, हर कॉलेज की अपनी एक टीम आती है, चाहे वो फुटबॉल में ले लो, चाहे क्रिकेट में ले लो, और वॉलीबॉल में ले लो, और भी कई सारी कंपटीशंस होते हैं। हो सकता है मैं इनके नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, या मैं अभी इस वीडियो में आपको ना बता पाऊँ, लेकिन कई सारे कंपटीशंस हो सकते हैं। आप चाहें तो आईपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके चेक भी कर सकते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आईपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके चेक भी कर सकते हैं कि कौन कौन से स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स इनके हर साल ये जो स्पोर्ट्स फेस्ट कराते हैं, वो जो स्पोर्ट्स वीक ऑर्गेनाइज करवाते हैं उसमें करते हैं। और अगर मतलब कई सारे इंडोर स्पोर्ट्स की बात करें, तो बैडमिंटन हो गया, टग ऑफ वॉर, रस्सी खींच, और अगर ट्रैक एंड फील्ड के कई सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, और भी कई सारी रेसेस होती हैं, रिले रेस होती है, और कई सारी रेसेस होती हैं, टग ऑफ वॉर जैसे रस्सी खेच जिसको आप जानते होंगे, वो भी स्पोर्ट्स क्या कहते हैं कंपटीशन होता है। तो कई प्रकार के स्पोर्ट्स कंपटीशन यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कराती है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की, कॉलेज से रिलेटेड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की। अब चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की, वो है कल्चरल एक्टिविटीज़। कल्चरल एक्टिविटीज़ भी किसी हर कॉलेज की एक अपनी बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रहता है। बात करें कल्चरल एक्टिविटीज़ की, तो आपको बता दें कि कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटीज़ को लेकर काफ़ी मोटिवेट किया जाता है, काफ़ी स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है कि वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। और अगर बात करें यूनिवर्सिटी लेवल की, तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, या फिर जिसे शॉर्ट फॉर्म में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी कहते हैं, यह हर वर्ष स्पोर्ट्स फेस्ट की तरह कल्चरल फेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराती है, जो कि अनुगूंज नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका वो जो कल्चरल फेस्ट है वो अनुगूंज नाम से जाना जाता है, स्पेलिंग है ANUGOONG। अगर आप मेरी बात मतलब वॉइस में क्लियर आप समझ ना पा रहे हैं, तो इस फेस्ट का नाम देते हैं अनुगूंज, जो कि फरवरी मार्च के महीने में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ये फेस्ट काफ़ी बड़े स्तर पे कराया जाता है, काफ़ी बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स अपना अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ में अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, और अगर वो इतने टैलेंटेड हैं, उनमें इतना हुनर हैं, तो फिर वो प्राइजेज मेडल सर्टिफिकेट जीत कर ला सकते हैं और अपनी रिकॉग्निशन पा सकते हैं। अनुगूंज में कई प्रकार के कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। अगर मैं कॉम्पिटिशन्स की बात करूँ, तो सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, चाहे वो सोलो सिंगिंग ले लो, ग्रुप सिंगिंग ले लो, और अगर डांसिंग कॉम्पिटिशन्स की बात करूँ, तो सोलो डांस ले लो, ग्रुप डांस ले लो, सारे हो सकता है इवेंट्स या सारे वो जो होते हैं कॉम्पिटिशन्स के नाम मैं भी ना गिना पाऊँ, लेकिन काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। ड्राइंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराया जाता है, कार्टून मेकिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराया जाता है, स्पीच होती है, डिबेट होती है, एक्सटेम्पर होती है, और भी कई तरह के कॉम्पिटिशन्स अनुगूंज में ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं।
और यह कल्चरल फेस्ट लगभग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग फरवरी मार्च के महीने में ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है। लगभग 3 से 4 दिन तक ये फेस्ट चलता है जो कि काफ़ी अच्छे लेवल पे होता है। और लास्ट दिन, जो फेस्ट का लास्ट दिन होता है, उस दिन यूनिवर्सिटी एक सेलिब्रिटी को इनवाइट करती है जो परफॉर्म करता है। जनरली एक सिंगर होता है जो लास्ट दिन कॉलेज में इनवाइट किया, मतलब यूनिवर्सिटी में इनवाइट किया जाता है, वो परफॉर्म करता है, जिसकी परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो ये तो बात हो गई कल्चरल एक्टिविटीज़ की। अब जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे दिमाग में आ रहा है वो है दोस्तों प्लेसमेंट। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्लेसमेंट ही एक ऐसी चीज़ है जो आप 4 साल बाद आपको काफ़ी मैटर करेगी। जी हाँ दोस्तों, कल्चरल फेस्ट हो गया, अच्छा है, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हो गए, वो भी अच्छे हैं, कैंपस हो गया, लाइब्रेरी हो गई और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो सब अच्छा है, कोर्सेज हो गए, वो सब अच्छे हैं। लेकिन जो 4 साल बाद, आप 4 साल बाद जब इंजीनियरिंग करके निकलेंगे, तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको मैटर करेगी मेरे हिसाब से, वो होती है प्लेसमेंट। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्लेसमेंट को काफ़ी तवज्जो देते हैं, प्लेसमेंट्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, और देनी भी चाहिए, क्योंकि प्लेसमेंट एक ऐसी चीज़ है बेसिकली जो कॉलेज की इंपॉर्टेंस बताती है, कॉलेज की मतलब कॉलेज के बारे में काफ़ी कुछ बताती है। तो अगर आप प्लेसमेंट की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी प्लेसमेंट डेफिनेटली हो जाएगी कॉलेज में। ऐसी बात नहीं है कंपनीज नहीं आती कॉलेज में, कई सारी कंपनीज आती हैं, कि चाहे वो कि हर किसी भी फील्ड की बात करूँ, किसी भी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग की बात करूँ, हर फील्ड की कंपनीज कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आती है। पर प्लेसमेंट ड्राइव कॉलेज में हर साल मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए हर साल कंडक्ट कराई जाती है, हर साल ऑर्गेनाइज कराई जाती है प्लेसमेंट ड्राइव, जिसमें कई सारी कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं। पर फिर भी अगर मेरे को कॉलेज की प्लेसमेंट को रेटिंग देनी हो तो मैं आपको बता दूँ, मतलब रेटिंग नहीं, मैं आपको प्लेसमेंट को समराइज कर देता और यह बता देता कि कॉलेज की प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉलेज की प्लेसमेंट ख़राब है, मैं ये नहीं कह रहा कॉलेज की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट मैं बस यही कहूँगा अगर मेरे को एक लाइन में कॉलेज की प्लेसमेंट को डिफाइन करना हो या एक लाइन में कॉलेज की प्लेसमेंट को आपको समराइज करके बताना हो, तो मैं बस यही कहूँगा कि कॉलेज की प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी, कुछ खास अच्छी नहीं है, पर ख़राब भी नहीं है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि अगर आप मेहनत करते हैं और आप वाकई प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, एक अच्छा पैकेज उठाना चाहते हैं, एक अच्छी कंपनी में प्लेस होना चाहते हैं कि आप की प्लेसमेंट एक अच्छी कंपनी में हो, कॉलेज से ऑन कैंपस प्लेसमेंट है उसके माध्यम से आपकी प्लेसमेंट एक अच्छी कंपनी में हो, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी प्लेसमेंट डेफिनेटली होने के बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी प्लेसमेंट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और मेरे रिव्यू के हिसाब से इस कॉलेज की प्लेसमेंट एवरेज है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि एवरेज प्लेसमेंट है, लेकिन फिर भी अगर आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, हिम्मत से काम करते हैं और लगन से अपनी पढ़ाई करते हैं, हर लैब्स में पार्टिसिपेट, मतलब हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और लगन से मेहनत करते हैं, तो आपकी प्लेसमेंट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। पर फिर भी अगर ओवरऑल मेरे को इस कॉलेज की प्लेसमेंट को समराइज़ करना हो या डिफाइन करना हो, तो मैं यही कहूँगी कॉलेज की प्लेसमेंट एवरेज है। पर फिर उन एवरेज प्लेसमेंट में भी काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि काफ़ी अच्छा पैकेज उठा लेते हैं, काफ़ी उनको अच्छा पैकेज मिल जाता है ऑन कैंपस प्लेसमेंट से ही। तो वही है कि आपकी वो इंडिविजुअल मेहनत या इंडिविजुअल लगन पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितने लगन से काम कर सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई प्लेसमेंट की। चलिए अब अगली चीज़ के बारे में, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है एडमिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, क्योंकि बात है एडमिशन की, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप, मतलब क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि बीटेक में एडमिशन, इंजीनियरिंग में एडमिशन इस कॉलेज या इस यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज है उसमें दो प्रकार से हो सकता है, दो मीडियम से हो सकता है, दो तरीकों से हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको कैसे एडमिशन चाहिए। अगर आपको कॉलेज में एडमिशन 12th के बाद चाहिए, आप 12th कर आए हैं और आपको 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको बता दूं कि कॉलेज में 12th के बाद एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर होता है। जी हाँ दोस्तों, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है जिसके बेसिस पर कॉलेज में 12th के बाद एडमिशन होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके जितने मार्क्स आएंगे उस हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी, आपको अपनी चॉइसेस भरनी पड़ेंगी, जितने आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में मार्क्स आएंगे उस हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी, आपको अपने प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी, आपके कौन सा कॉलेज को कितना प्रेफरेंस देते हैं, और अगर आप उन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में आते हैं तो आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो मतलब कॉलेज में एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर होता है, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, उसी एग्ज़ाम से कॉलेज में एडमिशन होता है। और
दूसरा तरीका मैंने बताया था, दो तरीकों से कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। दूसरा तरीका जिससे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है वो है कॉलेज डिप्लोमा, अगर आप डिप्लोमा कर कर आते हैं, अगर आप डिप्लोमा कर कर आते हैं टेंथ के बाद अपने डिप्लोमा कराया और आप चाहते हैं कि डिप्लोमा से आपका एडमिशन हो, तो आपका एडमिशन डायरेक्ट सेकंड ईयर में होगा। इस प्रोसेस को लेटरल एंट्री प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस के बारे में आप जानते भी होंगे, अगर आप डिप्लोमा में या फिर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली हो सकता है इस प्रोसेस के बारे में जानती हों, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि लेटरल, इस प्रोसेस को कहते हैं लेटरल एंट्री प्रोसेस या फिर लेटरल एंट्री, जिसमें आपका एडमिशन डायरेक्ट सेकंड ईयर में होता है। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट आपका एडमिशन सेकंड ईयर में होता है, और इस प्रोसेस से एडमिशन लेने के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को आईपी यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसे सीईटी नाम से जाना जाता है। लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसे सीईटी नाम से जाना जाता है, सीईटी फॉर लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स इन आईपी यूनिवर्सिटी। और आप अपनी ब्रांच के हिसाब से, अगर आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा कराया या फिर आपने किसी भी, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा कराया, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कराया या ऑटोमोबाइल से डिप्लोमा कराया या फिर किसी और ब्रांच से डिप्लोमा कराया, आप अपनी चॉइस के हिसाब से उसमें डाल सकते हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट से या फिर कौन सी ब्रांच से एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पसंद करेंगे, और अगर आपका नाम शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में आता है तो आपका इस कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई कॉलेज में एडमिशन कैसे लें। हाय फ्रेंड्स, मैं आपको इसी वीडियो में एक एडिट बताना चाहूँगा। एक्चुअली जब ये वीडियो शूट करी गई थी तब HMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की स्पोर्ट्स फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने कॉलेज को रेटिंग्स इस मामले में एवरेज कहा था, और रेटिंग्स आई थिंक आई गेव 6 out of 10 स्टार्स टू द कॉलेज HMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट को। मैंने 10 में से 6 स्टार्स दिए थे, बट रिसेंटली इसकी मैं विजिट पर गया था और मैंने देखा रिसेंटली इसकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ काफ़ी इंप्रूव हो गई हैं, और इसमें इधर बास्केटबॉल कोर्ट, जितना मैंने इसको ऑब्जर्व किया, जितना मैंने अपनी जो मैं विजिट पर गया था मैंने ऑब्जर्व किया, इसमें बास्केटबॉल कोर्ट बन गया है, वॉलीबॉल कोर्ट बन गया है। जी हाँ दोस्तों, बास्केटबॉल कोर्ट बन गया है, वॉलीबॉल कोर्ट बन गया है, ये बास्केटबॉल कोर्ट और वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और वॉलीबॉल कोर्ट मैंने ऑब्जर्व किया, इसलिए और भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ काफ़ी इंप्रूव हो गई हैं। पार्क काफ़ी बड़ा कर दिया गया, पहले काफ़ी छोटा था, पार्क काफ़ी बड़ा कर दिया गया। कॉलेज में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चल रहे हैं, डेवलपमेंट चल रहे हैं, तो इस मामले में मैं अपनी ये जो HMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में वो जो स्पोर्ट्स की रेटिंग मैंने 6 out of 10 स्टार्स दिए थे उसको बढ़ा के मैं इसमें 8 out of 10 स्टार्स या 9 out of 10 स्टार्स करना चाहूँगा। मतलब इस कॉलेज की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एवरेज नहीं कही जा सकती है, कॉलेज की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को आपको, मतलब मेरे हिसाब से इसकी रेटिंग अब ये गुड में आ गई है, इसलिए मैं इसको अब 8 out of 10 स्टार्स या फिर 9 out of 10 स्टार्स दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।